नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम सीरीज़ स्टार्ट की है, हमने कल की वीडियो में हमने लाइफलाइन के बारे में बात की थी। आज जो वीडियो होगी आपकी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन जो हम कैरी लाइन कहते हैं, जिसको हम मनी लाइन कहते हैं, जिसको हम भविष्य की रेखा कहते हैं, काफ़ी नाम है इसके। और इससे आपका भविष्य तय होगा कि आप कितने ज़्यादा सफल होंगे, कितने ज़्यादा सफल नहीं होंगे, और कितना पैसा कमाएंगे, कितना यहाँ पर आप गरीब होंगे, सब कुछ इसी लाइन से फैसला होता है। तो इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे हम और डिटेल से यहाँ पर बातें करेंगे क्या है। देखिए, पूरा वीडियो आप देखिएगा तभी आपको पामिस्ट्री में जो चीज़ें आप सीख पाएंगे। अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप को फॉलो करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दिया होता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पे सामने कॉमन सा हाथ देख पा रहे हैं, एक एग्जांपल की तरफ में मैंने लिया है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम और समझते हैं। देखिए, सभी को मालूम है बेसिक लाइनों के बारे में, जैसे ये हमारी जो है लाइफ लाइन, जो मैंने यहाँ पर कल बात की थी कि कैसे कैसे प्रेडिक्शन करनी है लाइफ लाइन की। और उसके बाद ये हमारी माइंड लाइन और ये हमारी हार्ट लाइन, ये तीनों जो तीन बेसिक लाइनें हैं सभी के हाथ में होती हैं। जो आज बात करने वाले हैं हम इस लाइन की बात करने वाले हैं जो किसी के हाथ में होती है और किसी के हाथ में आपने छोटी देखी है या किसी हाथ में आपने उसको नहीं देखा है। ये होती है हमारी भाग्य रेखा, इसको हम मनी लाइन भी कहते हैं, कैरी लाइन भी यहाँ पर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइन के बारे में जानना। देखिए, आपको मैं ये बता दूँ, किसी के हाथ में भाग्य रेखा का होना ये बताता है कि वो व्यक्ति सफल होगा, ये तो बात आप मान के चलें। ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में भाग्य रेखा ना हो तो सफल नहीं होगा, लेकिन एक निशानी होती है। अगर किसी के हाथ में स्पष्ट यहाँ पर भाग्य रेखा है तो वो व्यक्ति सफल तो होगा, उसको चीज़ें जो हैं आसानी से मिल जाएंगी, मतलब उसका जो जीवन है वो स्ट्रगल भरा नहीं होगा। ज़्यादा जब स्ट्रगल आता है तो क्या होता है कि हमारी जो कैरियर लाइन है, जो हमारी ये वाले भविष्य रेखा है, वो मिट जाती है या फिर कह सकते नहीं होती है, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रगल होता है। अगर आपके हाथ में स्पष्ट एक भाग्य रेखा है, अगर वो टूटी फूटी नहीं है, तो ये एक आप सफल व्यक्ति की निशानी इसको मानेंगे। तो अब हम बातें करते हैं कि इस पे कौन कौन से जो पॉजिटिव साइंस होते हैं जो बनते हैं। देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे हमारी जो भाग्य रेखा होती है वो कईयों के हाथ में चंद्र पर्व से स्टार्ट होती है, कईयों के हाथ में शुक्र पर्व से स्टार्ट होती है, और कईयों के हाथ में बीच में से ऐसे स्टार्ट होती है। तो कई किस्मों की भाग्य रेखाएं होती हैं। और जैसे हम कॉमन सी लेते हैं, जो काफ़ी कॉमन हाथों में दिखी जाती है, जो एक कह सकते हैं कि केतु के पर्व से स्टार्ट होती है एक भाग्य रेखा, जो शनि पर्व तक यहाँ पर पहुँचती है। काफ़ी कॉमन हाथों में ये भाग्य रेखा आपको मिलेगी। इसके ऊपर कौन से पॉजिटिव साइन बन सकते हैं? देखिए, सबसे बेस्ट पॉजिटिव साइन होता है कि इसके ब्रांचेस निकलना, मतलब चंद्र पर्वत से कोई स्टार्ट हो रही रेखाएं इसके साथ मिलती हैं, तो इसको पॉजिटिव साइन माना जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति किसी से जुड़कर, किसी से पार्टनरशिप कर या फिर ज़िंदगी में उसके ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जिससे वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा, उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। मतलब ये लाइनें कभी भी मिल सकती हैं, स्टार्टिंग एज में मिल सकती हैं, मिडल एज में मिल सकती हैं, या फिर बुढ़ापे में भी कोई एज में ऐसी लाइनें मिल सकती हैं। तो ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर माने जाते हैं। और भी पॉजिटिव साइन मैं आपको बता देता हूँ। और भी देखिए, जैसे भाग्य रेखा हमारी होती है, कोई रेखा निकलकर अगर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, या फिर सूर्य पर्वत से कोई रेखा मिलकर यहाँ पर आपके भाग्य रेखा से मिल जाए, तो ये गजब का साइन बन जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति, उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हालांकि ये सूर्य रेखा उसके भाग्य रेखा से जुड़ी है, तो काफ़ी यह स्ट्रगल भी करवाएगी, उसको इस काबिल बना देगी कि वो सबसे अलग होगा, सबसे अलग होगा, सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा। तो ये पॉजिटिव साइन होता है, जो ये अगर सूर्य रेखा भाग्य रेखा से मिलती है उस एज में, उस एज से आपको उसमें चेंजेस आने शुरू दिखेंगे, कैरियर में चेंजेस आने शुरू होगा, और हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। अगर ऐसी आपकी भाग्य रेखा है, उससे कोई सूर्य रेखा जुड़कर
सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाता है। और बता दूं आपको, और भी चीज़ें होती हैं भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा के साथ आपके ऊपरी स्तर पर, ऊपरे जो 45 की एज में बाद में आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, और ये मान के चलें कि ये ब्रांचेस होती हैं, ये बताती हैं कि जब व्यक्ति 50 साल क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं उसके लिए, और काफ़ी बेहतर होंगी चीज़ें उसके लिए, सभी चीज़ें मिलेंगी, पैसा ही मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और सोसाइटी में यहाँ पर चीज़ें उसके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो ये भाग्य रेखा पर पॉजिटिव साइन बनते हैं। और भी कई साइन होते हैं, जैसे कुछ लाइनें होती हैं जो यहाँ पर, जो केतु क्षेत्र आप देखिए, यहाँ पर आपके अगर फिश का सिंबल बनता है तो ये भी पॉजिटिव बना जाता है। अगर किसी हाथ में, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा के स्थान पर कोई रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ये भी पॉजिटिव साइन माने जाते हैं। ये भी भाग्य रेखा की जो गति को वो दुगना कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्नति ऐसे साइन यहाँ पर करवाते हैं। और भाग्य रेखा टूटी फूटी, अब देखिए ये सारे पॉजिटिव साइन हो गए, पॉजिटिव साइन तो अच्छे होंगे ही होंगे, नेगेटिव साइन कौन से होते हैं भाग्य रेखा पर? सबसे जो नेगेटिव साइन होता है वो भाग्य रेखा का यहाँ पर टूटा हुआ होना आता है। अगर भाग्य रेखा आपकी टूटी हुई है, मान लीजिए भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई और बीच में से टूट 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 कर यहाँ पर शनि पर्वत तक पहुँच रही है, तो ये बहुत ही नेगेटिव साइन है। जिस एज में ये टूटेगी, ये कॉमन सी बात है, जिस एज में टूटेगी वो एज आपके लिए बहुत ही कष्ट लाएगा, फाइनेंशियली भी कष्ट लाएगा, आपको मानसिक तनाव भी देगा और कैरियर में काफ़ी ज़्यादा लॉस भी करेगा, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लॉस ऐसे जातक को होता है। और ये आपको, आपने कॉमन देखा होगा, कईयों के हाथ में भाग्य रेखा जो होती है वो कह सकते हैं कि छोटी होती है। तो अब इसका क्या मतलब है छोटी होती है? देखिए, अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा छोटी है, या फिर वो चंद्र पर्वत से मिडल में जाके ख़त्म हो गई है, या फिर ऊपरी स्तर पर पहुंचकर नीचे की तरफ आप मिटी हुई है। मान लीजिए पहले हम पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं, अगर भाग्य रेखा नीचे से स्टार्ट होती हुई मिडल में जाकर ख़त्म हो चुकी है, तो ये साइन है कि ऐसा जातक जो होगा शुरू के एज में तो काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा उसके ज़िंदगी में, और परिवार से जुड़ाव रहेगा, परिवार से ही मतलब सपोर्ट अच्छा रहेगा, परिवार के चलते ही वो नाम सम्मान का पाएगा। पर जैसे ही वो चीज़ें उसके साथ अलग होंगी, जैसे ही वो परिवार से अलग होगा, उसकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा, लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा आएगा, कमाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा आने वाली ज़िंदगी, मतलब जिस एज से वो लाइन गायब हो गई है या फिर उसके बाद नहीं है, उसके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, अगर भाग्य रेखा आपकी हॉट लाइन से स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए हॉट लाइन से नहीं होगा, अगर माइंड लाइन से स्टार्ट हो रही है और निचली जो हिस्सा है आपका यहाँ पर मिस है ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि शुरू में स्ट्रगल्स होगा, शुरू में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होगा, पर जैसे वो 45 कह सकते हैं या फिर 40 की एज क्रॉस करेगा, या फिर हम अप्रॉक्स यहाँ पर 38 की एज मान लें, 35 के बाद की एज मान लें, उसके बाद उसका कैरियर अच्छा हो जाएगा, उसको मान सम्मान भी मिलेगा, उसका कैरियर भी अच्छा होगा, उसका प्रोफेशन भी अच्छा चलेगा, उसका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक यहाँ पर सुधर जाएगी, उसके बाद उसका भाग्य उदय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भाग्य रेखा आपने देखी होगी। और भी नेगेटिव साइन होते हैं भाग्य रेखा पर, अगर भाग्य रेखा आपकी अच्छी है पर इसके ऊपर क्रॉस के साइन हैं, अगर आपको कहीं भी आपको क्रॉस के साइन दिखें भाग्य रेखा के ऊपर, तो वो क्रॉस का साइन जो होता है मान सम्मान में हानि, फाइनेंशियली लॉस, और भाग्य को यहाँ पर कह सकते हैं कि रोक देने वाला साइन होता है, कि वहाँ उसके बाद आपको काफ़ी संघर्ष करेगा उस एज में जहाँ पर एक क्रॉस का साइन है, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान ऐसे काल में होगा। और भी है साइन, जैसे मैंने आपको बताया था कल कि यव के साइन भी नेगेटिव होते हैं, यव का साइन किसी भी लाइन पर हो वो नेगेटिव होता है, अगर भाग्य रेखा पर हो तो वही ही बताता है कि उस एज में जाकर आपको लॉस होगा, अगर यव का साइन कहीं भी है तो उस एज में जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। चलिए और भी नेगेटिव साइन की बात कर लेते हैं, कोई किसी तरह का अगर मोल आपकी भाग्य रेखा पर है, किसी तरह का तिल है आपकी भाग्य रेखा पर, वो भी नेगेटिव माना जाता है।
तो देखिए भाग्य रेखा जो है उसको कैलकुलेट करने का एक आप अनुमान मान लें, वही जो पुराने जो है गणना की जाती है कि ये जो माइंड लाइन होती है यहाँ तक जो एज जहाँ पहुँचती है आपकी 35 साल होती है, कॉमन सी बात हम कर लें, 35 साल यहाँ तक होती है। उसके बाद जो हमारी हार्ट लाइन पहुँचती है, हार्ट लाइन से शुरू होती है भाग्य रेखा, तो उसको हम 50 साल मानते हैं। तो यहाँ से आपकी जो 35 साल है एज, उसके बाद यहाँ पर 45 के बाद आगे कंटिन्यू होती है शनि पर्वत तक वो पहुँचती है। और भी एक पॉजिटिव साइन आपको बता दूं मैं, अगर भाग्य रेखा प्रॉपर आपके शनि पर्वत तक पहुँचती है, मान लीजिए शनि पर्वत तक नीचे स्तर तक पहुँची उसके बाद नहीं पहुँची, उसके बाद कुछ लाइनें हैं आगे बढ़ रही हैं भाग्य रेखा की और वो शनि पर्वत तक पहुँच रही हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। किसी भी भाग्य रेखा का शनि पर्वत तक पहुंचना ये बताता है कि उस व्यक्ति के जीवन काल में सफलताएं काफ़ी आसानी से मिल जाएंगी और जो उसके कर्म है, जो उसको वो कर्म करेगा उसके फल काफ़ी पॉजिटिव उसको मिलने वाले हैं। तो ये भाग्य रेखाएं होती हैं और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होते हैं। और अपने हाथ में देखिए कि भाग्य रेखा कौन सी है और क्या आप नेगेटिव साइन और पॉजिटिव हाथ आपके हाथ में नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, धीरे धीरे सभी लाइनों को वहाँ पर कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।